कि बस मेरे से मेरे बच्चे प्यार से बात करे, बस माँ को इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप सोचिए बहन, ये सोचे जिसके कोख में वो पली है बड़ी है, उसी के घर में एक बहू आई है जिसको छोड़ करके आई है बहने अपने माँ को, उनके घर में उनके भाई के पति आए हैं, उनके ही पति उनकी ही पत्नी अपने सासू माँ के साथ गलत व्यवहार करे तो कितना दुख होता है, कितना पीड़ा होता है, कितना कष्ट होता है आप महसूस करते हैं। तो क्यों ना आप अपने घर में अपने सासू माँ को प्यार से रखें, क्यों ना आप आदर और सम्मान दें। यदि आपने आदर सम्मान दिया अपने घर के बहुओं को, आपने सम्मान दिया अपने घर के सास बहु सासों को, तो आपका जीवन सुखद होगा। ही जाने रहेगा प्रकृति से हमको शरीर मिला है, जीवन मिला है, लेकिन जीना कैसे है, जीवन का निर्माण कैसे करना है आपके हाथों में है। प्रकृति का देन है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई नाटा है, कोई लंबा है, लेकिन ये प्रकृति का देन नहीं है कि हम कैसे जीवन जीते। ये प्रकृति का देन नहीं है, प्रकृति से हमको जीवन मिला है, शरीर मिला है, जीवन है, लेकिन जीवन आपको अपने निर्माण करना है। दिल्ली में जब आप जाएंगे तो वहां एक अक्षरधाम है, अक्षरधाम में एक शरीर का रूप दिया गया है, जहां एक शरीर पत्थर है जो अपने ही शरीर को छीनी और हथौड़ी से अपने ही शरीर को छीन रहा है। मतलब समझते हैं, अपने ही जीवन का उद्धार हमको खुद को करना है, अपने ही जीवन को हमको खुद को मांझना है, अपने ही जीवन को उत्थान की ओर हमको खुद को ले जाना है। कोई दूसरा नहीं ले जा सकता है, दूसरा नहीं ले जा सकता है। अपने ही जीवन को सवारना है, अपने ही जीवन को मांझना है, अपने ही जीवन को गढ़ना है। मैं पुनः अपनी चर्चा पर आऊंगा, आप जितने लोग बैठे हैं सबसे मैं कुछ कुछ बातें कहते चला जा रहा हूं आगे आगे, कि सर्वप्रथम मैंने बात कहा आपको अपने घर में मैत्रिता का भाव लाना है, प्रेम का भाव लाना है, और देरान और जेठान का रिश्ता हटा देना है। अब पूछ रहे होंगे देरान जेठान का रिश्ता हटा दे तो क्या करें, देरान और जेठान का रिश्ता हटा देना है बहनों, आप लोगों को वहां पर दीदी और बहन का रिश्ता चालू करना है, आपका घर देखिए कैसा होता है। सास और बहू का रिश्ता आपको हटा देना है, और सास और बहू का रिश्ता हटा करके वहां पर माँ और बेटी का रिश्ता। और माताओं से इतना निवेदन है कि अपने बहू से इतना प्यार करें, इतना प्यार करें कि अपने मायके का फोन नंबर मोबाइल नंबर भी भूल जाए, आप ऐसा प्यार करें। लेकिन आप तो प्यार नहीं करते, आप उस बेटी को प्यार करते हैं जो ससुराल चली गई है, आप उस बेटी को प्यार करते हैं जो ससुराल चली गई है, जो 6 महीने में साल भर में एक बार चलती है, उनको रोज फोन लगा करके पूछती है बेटी क्या कर रही हो, कैसी हो, बड़ा प्यार से आप पूछते हैं। और वो और बहन वो है जो अपनी माँ को छोड़ करके आ गई है, कहाँ दूर आ गई है, कई कोसों दूर आ गई है, लेकिन भोजन करने के पहले एक बार जरूर पूछ लेगी माँ भोजन किए हो कि नहीं। लेकिन जिस घर में आपको रहना है, जिन लोगों के साथ में मरते दम तक रहना है, क्या उस माँ को इतना प्यार से पूछते हैं, क्या उस माँ को इतना प्यार से स्नेह से आप भोजन कराते हैं, जिसके साथ जीवन जीना है उसके साथ तो कटु का व्यवहार। आपको समुद्र की तरह बनना है, समुद्र की तरह मतलब बताऊं, जब समुद्र में लहरें आती है, जब समुद्र में लहरें आती है तो नजदीक के गड्ढों को भरते चली जाती है। समुद्र का देखिए नियम क्या है, नजदीक के गड्ढों को भरते चली जाती है, लेकिन मनुष्य का जीवन जस्ट विपरीत चलता है। जब कुछ भी होता है तो दूर वाले को पूछते हैं, और जिसके साथ जीवन जीना है उनके साथ बातें नहीं करते। श्री राम कथा यही है, पूरा रामायण भाईचारा से भरा हुआ है, भाईचारा से पूरा रामायण भरा हुआ है। मैं इंदौर में था आज से करीब 6 साल पहले, इंदौर में था, दोनों भाई ने कुछ बात हुई तो बहुत बड़ा दुकान था,
दुकान इतना अच्छा चलता था तो बड़ा भाई ने किया क्या, उस दुकान को छोटे भाई को दे दिया। कहे भाई तुम इस दुकान को रख लो, और तुम इस दुकान में अगर रहोगे तो तुमको जीवन भर कुछ नहीं करना पड़ेगा, इस दुकान इतना अच्छा चलता है। छोटे भाई पूछते हैं, भैया आखिर दुकान मैं रख लूंगा तो आप क्या करेंगे, आज तक दुकान में आप बैठते थे, मैं आप क्या करेंगे। बांटा तो हो रहे हैं लेकिन प्रेम कितना है देखिए। बड़ा भाई कहते हैं, भाई मेरे पास वो कला है जो कि मैं फिर से एक नए निर्माण कर सकता हूँ, फिर से कुछ बिजनेस कर सकता हूँ, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं तुम्हारा जीवन ऐसे जाने नहीं दूंगा। हमारे घर में जो दो बाटे हो रहे हैं, जो पार्टीशन हो रहा है, जो तू मैं हो रहा है, हम दोनों के वजह से नहीं है भाई, मैं तुमको ऐसे जाने नहीं दूंगा। ये तो पार्टीशन हो रहा है, ये तो बहुत ही चाल है। अधिकतम घरों में लड़ाइयां होती है तो बहनों की वजह से लड़ाई होती है, आप देखिए। इसलिए बहनों से निवेदन है, आपकी वजह से घर दो टुकड़ा ना हो जाए, आपकी वजह से घर बिखर ना जाए, बिखर ना हो जाए आपका घर, आपकी वजह से घर के लोग अलग अलग ना रहना शुरू कर दे। आपको घर को बांध के रखना है, आपको घर को समूह बना करके रखना है, इतना प्यार से बोलना है। सिर्फ वाणी एक ऐसा माध्यम है। उदाहरण दूं मैं, हमारे देश में दो महाकाव्य है, एक रामायण एक महाभारत। महाभारत युद्ध का पूर्ण पूर्ण रूप से कारण है वाणी में, असंयम वाणी में, असंयमित अनियंत्रित व्यवहार वाणी में। जब महाभारत होने से पहले राजयज्ञ बनाते हैं पांडव लोग, और जहाँ राजयज्ञ होना है वहां पर एक ऐसा महल बनाया गया है, कहानीकार ने जो कहा है उसको मैं बता रहा हूँ। एक ऐसा महल बनाया गया है जहाँ जल थल दिखता है, थल 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 जल दिखता है, जहाँ दीवार नहीं वहां दीवारें दिखती हैं, जहाँ खाली है वहां पर दीवार दिखता है, ऐसा उन्होंने बनाया था। बड़ा अद्भुत कलाकारी हुई थी उस मकान पर, लेकिन राजयज्ञ होना है वहां पर दुर्योधन को भी बुलाया गया है, पांडव पक्ष पूरा कौरव लोगों को भी बुलाए हैं, और वहां पर दुर्योधन राजमहल में प्रवेश करते हैं, और राजमहल में प्रवेश करते हैं तो जल थल दिखता है, थल जल दिखता है। दुर्योधन इस बात को नहीं समझता है, प्रवेश करते चला जाता है। वहां पर दासियां बैठी थी, पांडवों के दासियां बैठी थी गेट पर, हट गेट पर खड़ी हुई थी। वो कहते हैं, महाराज जी ये आगे कीचड़ है, आगे मत जाना, आप पानी में फंस सकते हो। पांडवों के दासी कहती है, लेकिन दुर्योधन तो अहंकारी आदमी, वो कहता है हट दासी तुम मुझको सिखाओगे। दुर्योधन सीधा आगे चला जाता है, और जैसे आगे जाता है देखता है वहां से वहां गेट दिख रहा है, रास्ता दिख रहा है, लेकिन वहां का नियम तो अलग था, वहां सब लोग नहीं समझते थे, उसका एक संकेतिक रेखा था, दुर्योधन नहीं समझ पाया, चला गया। और जैसे जाता है पानी में लथपथ हो जाता है, कीचड़ में लथपथ हो जाता है। दुर्योधन पानी में लथपथ हो गया कीचड़ से, द्रौपदी ये सारी घटनाएं देख रही है, और द्रौपदी हंसते हुए जोर से खलखला करके हंस रही है, और क्या बोलती है पता है, एक शब्द उन्होंने कहा है, अंधे के अंधे पुत्र। एक शब्द महाभारत युद्ध का पूरा कारण है। वो कहते हैं अंधे के अंधे पुत्र, पूरा महाभारत युद्ध होता है। जब कोई आदमी लंगड़ा हो तो उसको लंगड़ा कहो तो बहुत चुपता है, जो जब कोई आदमी अंधा हो तो अंधा कहो तो बहुत चुपता है। इसलिए आप सब बैठे सबसे और निवेदन कर दूं, कोई आदमी लंगड़ा हो तो लंगड़ा मत कहना, अंधा हो तो अंधा मत कहना, लूला हो तो लूला मत कहना। यदि आप लंगड़े को लंगड़े कह रहे हैं मतलब आप अंधे हैं, आप लंगड़े हैं, वो तो लंगड़ा है ही, क्यों उसको व्यंग मार रहे हो, बेचारे को प्रकृति की देन है, वो प्रकृति की बनावट है, उनको वैसा शरीर मिला है। आप किसी को व्यंग मत करिएगा, नहीं तो आपको उसकी बद्दुआ सहा नहीं जाएगा। द्रौपदी बोलती है अंधे के अंधे पुत्र, इतना चुभता है दुर्योधन को, दुर्योधन सोच लेता है चाहे जिस किसी प्रकार से मुझे मुझे पांडव का विनाश करना है, और परिणाम क्या होता है। मात्र 5 गांव मांगे थे पांडव लोग, लेकिन दुर्योधन कहते हैं बिना युद्ध के मैं एक सुई के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, क्योंकि उनको बातें चुभी थी। वो बातें कौन गई थी कि अंधे के अंधे पुत्र द्रौपदी ने बोला है
वो बातें कौन गई थी और पूरा महाभारत युद्ध कहते वाणी पर संयम नहीं तो क्या होगा। यहाँ पर रामायण कथा चल रही है, मैं कड़वे बात और बताती हूँ। माता सीता की बात आप लोगों को बुरी लगे तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन बता रहा हूँ सत्य बात है। वाल्मीकि रामायण आप खोल करके देख सकते हैं। जब वन गमन गए, वन में थे और अयोध्या नगरी से वनवास गए, वनवास में रह रहे थे, जंगलों में घना घोर जंगल है जहां कभी भी कुछ भी घटना घट सकती है, जहां राक्षसों से घिरा हुआ जंगल है, जानवरों से घिरा हुआ जंगल है, वहां पर कभी भी कुछ भी घटना घट सकती है। जब मारीच आता है जंगल में और मारीच को आया, उसके पहले की घटना आप सब जानते हैं, क्योंकि सुरक्षा के नाक काट दिए थे तो उन्होंने मारीच को भेजा और मारीच को हिरण का वेश बना करके भेजा है और हिरण का वेश बना करके दौड़ता हुआ जाता है, स्वर्ण का ही हिरण दिखाई देता है। ये स्वर्ण का हिरण होता नहीं है, स्वर्ण का हिरण कभी आज तक हुआ नहीं है। इसमें फंस गए श्री राम भगवान। श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं, भैया ये घनाघोर जंगल है, इसमें कुछ न कुछ चाल है, स्वर्ण का हिरण होता नहीं है। लेकिन श्री राम भगवान कहते हैं, चाहे जिस किसी प्रकार को सीता को पसंद हो, हिरण चाहिए, मतलब चाहिए, मुझे जाना पड़ेगा। श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं, भैया ऐसा स्वर्ण का हीरा नहीं है, ये राक्षसों से घिरा जंगल है, ये सिर्फ कुछ न कुछ जाल साज है। लेकिन भगवान राम चले जाते हैं, भगवान राम चले जाते हैं और भगवान राम जाते हैं तो मारीच को बाण लगाते हैं। वो मारीच है, स्वर्ण का हिरण तो नहीं है। जब मारीच को बाण लगाते हैं तो मारीच श्री राम के आवाज में लक्ष्मण लक्ष्मण पुकारते हैं। जब लक्ष्मण लक्ष्मण पुकारते हैं लक्ष्मण के आवाज में, तो सीता कांप जाती है, डर जाती है और तब आगे की घटना फिर दर्दनाक होता है। तब सीता कहती है, तुम्हारे भैया विपत्ति में है, तुम चले जाओ। श्री लक्ष्मण कहते हैं, मेरे भैया को कुछ भी विपत्ति नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, आप उसकी चिंता मत करो, आप उसकी चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। माता सीता कहती है, तुम्हारे भैया विपत्ति में है, तुमको जाना ही पड़ेगा। जब नहीं जाते हैं तब वाल्मीकि रामायण में लिखा है, माता सीता ऐसे ऐसे शब्द बोलती है, कटु कटु शब्द बोलती है। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भारिया है, उनकी पत्नी है, धर्म पत्नी है, राजा दशरथ के पुत्र वधु है, उनको ऐसे कटु वचन बोलने की क्या जरूरत है। ऐसे ऐसे कटु वचन फिर बोलती है वो, तुम और भरत पहले से, लक्ष्मण को बोलती है, तुम और भरत पहले से अयोध्या में मीटिंग कर लिए थे कि श्री राम को राम को मार देंगे और सीता को अपना लेंगे, तुम्हारे चंगुल में मैं नहीं फंसने वाली हूँ। जब ऐसे ऐसे कटु वचन, गीता वचन, कड़वे वचन, जब श्री राम की बहारिया पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी माता सीता बोलती है, उनको भला ऐसे कटु और तीखा वचन बोलने की क्या जरूरत है, ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए था। जैसे कोई आदमी गरम शीशा को चूर कर दिया हो और शीशा को चूर करके गरम कर दिया हो और गरम करके कान में डाला जा रहा हो, वैसे ही कड़वे कड़वे शब्द जब माता सीता बोलती है तो श्री राम के पास लक्ष्मण को जाना पड़ता है और लक्ष्मण रेखा खींच करके जाता है। लेकिन जब गोस्वामी जी को इस बात को लिखने का अवसर आया तो गोस्वामी जी सरल शब्दों में कह करके निकल गए, मरम वचन जब सीता बोली। वो मरम वचन किसे कहते हैं आपको पता है? मरम वचन जो तीर कर जाए, बेध कर जाए, प्राणों में कोंध जाए, कानों में कोंध जाए, ऐसे वचन को मरम वचन कहा जाता है। और ऐसे ऐसे कड़वे और तीते वचन माता सीता बोलती है और कहती है। जाते जाते श्री लक्ष्मण कहते हैं, माता सीता आप इस लक्ष्मण रेखा से बाहर मत जाना, आपको कोई भी विपत्ति नहीं आ सकता है। श्री लक्ष्मण जी चले जाते हैं, तुरंत रावण ब्राह्मण के वेश धर के आता है और भीख मांगता है, कहते हैं अंदर नहीं आओ, जब तक तुम रेखा से बाहर नहीं आओगे तब तक मैं तुम्हारा भी अन्न नहीं ले सकता हूँ, भिक्षा नहीं दे सकता हूँ। और जैसे ही बाहर जाता है उसको हर करके ले जाता है। आप क्या सुने? एक कड़वे वचन,
क्या जरूरत था ऐसे सत्य बोलने की माता सीता? सबसे ज्यादा जरूरत है आपको जीवन में वाणी में संयम, वाणी में संयम नहीं होगा तो आपका जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है। आप अपने घर की बहुओं को इतना प्यार से पुचकार करके रखिए, और बड़े बुजुर्गों से निवेदन है आपके घर के बच्चों को, बहुओं को, बेटों को, नाती पोता को आप इतना प्यार से पुचकार करके रखिए कि आपकी हिजाते आपके बच्चे आपके करीब आ जाए, आपके करीब आ जाए, आपके बैठे वहीं पर जमीन पे बैठ जाए, पैर दबाना शुरू कर दे। ऐसा तो नहीं होता है जैसे आप जाते हैं बच्चे एक किनारे हो जाते हैं, आप एक किनारे हो जाते हैं, क्योंकि आपने वो प्रेम भी नहीं दिया है। माताओं से निवेदन है वो प्रेम संचारित करिए अपने बहुओं में, अपने बेटों में, अपने बच्चों में, अपने नाती पोतों में, कि आपके बिना उनको एक पल कठिन महसूस हो। मैं हकीकत घटना बता रहा हूँ। अभी 3 महीना पहले मैं रायपुर आया इलाहाबाद से, एक जगह मैं रुका था जहाँ एक जैन बहन आई और वो कुकी सेंटर है, कुकी सेंटर मतलब जहाँ केक बनाने सिखाया जाता है, मेरे भक्त है, वहाँ मैं रुका था 10 दिन रुका था वहाँ। वो अपने आप में संपन्न थी, धन की कमी नहीं थी, सर्व गाड़ियाँ थी, सब कुछ था उनके पास, वो बहन के पास में, लेकिन वो केक बनाने सीखने आते थे। उनको पूछा गया क्यों आप क्यों सीखना चाहते हैं, आपके पास संपत्ति है, सब कुछ है। वो कहती हैं मेरे पास एक बहुत बड़ी समस्या है और उसका निवारण के लिए मैं ये कर रहा हूँ। वो कहती बहुत बड़ी समस्या का निवारण के लिए कर रही हूँ। क्या समस्या? वो कहती है जब मैं शादी होकर के आई तो एक माँ को छोड़ी थी और दूसरे माँ के पास में आई थी, उस माँ का नाम शांति माता था, लेकिन आज से 1 महीने पहले उस माँ की शरीर छूट गई। मैंने करीब करीब 40 साल उस माँ के साथ में जीवन गुजारी है और 40 साल में मुझे एक बार कटु वचन नहीं बोली वो माँ ने, एक बार कटु वचन नहीं बोली है। और जैसे नाम तैसा गुण वैसा उनका जीवन था। जब जब उनकी याद आती है तो मैं आंसुओं से मेरा आंख भर जाता है, मैं अपने आप को नहीं संभाल पाती हूँ। इसलिए मन को मैं बदलने के लिए, मन को बदलने के लिए ये केक बनाना सीखना चाहती हूँ। क्या आपके घर में ऐसा है? आपके बहू एक दिन के लिए बाहर जाए तो आपको कमी महसूस हो? आप इतना प्यार करिए अपनी बहुओं से। एक घटना एक संत ने उद्धृत किया है, वो भी घटना ही है। जब बुढ़ापा की अवस्था थी सासू माँ की, तो सासू माँ की बुढ़ापा की अवस्था, खाट पर ही टट्टी पेशाब सब कुछ होता था, बुढ़ापे की अवस्था है। जब उनकी माँ देखने के लिए आती है, उनकी माता माँ और पिताजी देखने के लिए आती है उस बहन को, और उस बहन को देखने के लिए आती है तो टट्टी पेशाब सब गंदगी साफ कर रही है। अपने बेटी को धीरे से कान में कहती है, बेटी क्या तुमको दुर्गंध नहीं आती है? देखिए वो क्या बोल रही है, ऐसे शब्द उनको अपनी बेटी को कहना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो क्या बोल रही है, बेटी क्या तुमको इसमें दुर्गंध ही नहीं आती है? तो बेटी भी क्या बोलती है, नहीं माँ, मुझे इसमें सुगंध ही आती है। बड़ा आश्चर्य की बात है, गंदगी में सुगंधी। तब पूछते हैं क्या सुगंधी, ऐसे क्या बात है? तो कहते हैं माँ जब मेरी शादी होकर के आई थी, और शादी होकर के आई थी करीब करीब एक माह हुआ था जब मैं घी से मक्खन से भरा हुआ घड़ा पका रही थी, तो पकाते पकाते पक गई, लेकिन उसके बाद उठा करके रखना था। करीब करीब 20 किलो की घड़ा था, घी से भरा हुआ घड़ा था, लेकिन संयोग ऐसे जब उठाया तो हाथ से छूट गया, पूरा घी बह गया। लेकिन जब मेरी सासू माँ आती है तो सर्वप्रथम ये पूछती है, बेटी तुमको कहीं चोट तो नहीं लगी, कहीं जली तो नहीं? सर्वप्रथम ये पूछती है, कभी ये नहीं कही तुम घड़ा को गिरा दिए, घी को बर्बाद कर दिए, ऐसे कटु वचन नहीं कहे थे माँ? वो घी की सुगंधि आज मुझे इस टट्टी पेशाब में आती है, वो माँ है जो मुझे करुणा दी थी। क्या आपके घर में ऐसा होता है? 10 रुपये की चीज बेकार कर दिए तो ना जाने क्या क्या ढिंढोरा पिट जाते हैं, क्या क्या हो जाता है, तू तू माई की आवाज हो जाती है। मैं आपके घर के उपयोगी की बात कह रहा हूँ, आप इस चीज को महसूस करिए, और शुरुआत आपको करना है। आप चाहते हैं आपका भविष्य अच्छा हो, आपका बुढ़ापा अच्छा हो, आपके बच्चे का भविष्य अच्छा हो, तो आपको जीवन को बदलना है,
आपको जीवन में यू टर्न लाना है, अपने महानता को समझना है। हम सर्वशक्तिशाली हैं, भगवान के भरोसे नहीं बैठे रहना है आपको। जितने भी महापुरुष हैं उनके जीवन के हिसाब से आदर्शों को लेना है। आपकी श्रद्धा है, पूजा करते हैं, करिए, आपकी श्रद्धा है। लेकिन पूजा के बल पर आप चाहे कि मेरे जीवन से दुर्गुण चला जाए, मेरे जीवन से दोष चला जाए, मेरे जीवन में स्वर्ग का पदार्पण हो जाए, ना, पूजा के बल से नहीं होना वाला है, ये कर्मों के बल पर हो रहा है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जितने भी महापुरुष हुए हैं सभी यही बात कहते हैं। अब मैं थोड़ी बात करूं, मैं आज भी हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे गुरु और गुरु लोग हैं जो कि लोगों को धांधलेबाजी करते हैं, कहते हैं हमारे मतपन से जुड़ो, हमारे संप्रदाय से जुड़ो, हमारे गुरु से मुक्ति है, हमारे गुरु से मुक्ति है। और जितने मुक्ति वाले थे आज सब के सब जेल में पड़े हुए हैं। बड़े बड़े दिग्गज लोग धिक्कार हैं ऐसे लोगों को, बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, कबीर का प्रारंभ मानते थे, कृष्ण का अवतार मानते थे, ऐसे लोग आज जेल के सलाखों पर पड़े हुए हैं। ये महापुरुष है हमारे भारत देश का, और भारत देश का कानून व्यवस्था ऐसे है कि ऐसे लोगों को कुछ कर भी नहीं पाते हैं। अगर अभी दुबई में अगर एक भी घटना होती है तो 15 दिन के अंदर उसको बलि चढ़ा सरकट काट दिया जाता है। मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति होकर के ये बात कह रहा हूँ, मुझे कहने में डर नहीं है मारने की बात। जो अन्याय करता है उसके साथ न्याय होना जरूरी है, और न्याय के साथ न्याय नहीं होगा तो पतन के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा देश आज पतन की ओर जा रहा है। आज धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर लोगों से चूसा जाता है, ऐंठा जाता है। भगवान के नाम पर यज्ञ करो, यहाँ इतना चढ़ाओ, यहाँ इतना चढ़ाओ, पूरा चूस लिया जाता है लोगों से। लोग एक 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 रुपया मिला मिला करके पैसा रखते हैं, और जब किसी बैगा के पास जाते हैं तो बैगा कहते हैं यहाँ इतना चढ़ाना पड़ेगा, यहाँ इतना चढ़ाना। बेचारा अपना पेट मार करके पैसा जोड़ता है, उसको भी वो दरिद्र आदमी को दया नहीं आता है आदमी पर। कैसा इंसानियत है, कैसी कटुता भरी इंसानियत है। मैं नहीं कहता इसलिए ऐसे लोगों से आप बच के रहिए। ये जितने हाथ के रेखा देखने वाले हैं, बैगा है, पंडित है, या कहते हैं यहाँ चढ़ावा, यहाँ चढ़ावा, ये सब धांधलेबाजी है, 2 नंबर का काम है। मैं सारे जगहों में मंच में जाता हूँ, मैं खुल करके बात कहता हूँ। अगर कोई बैगा पंडित है तो मेरे शरीर को कुछ कर सकते हैं तो कर दे, मैं यहाँ बैठा हूँ, मार सकते हैं मार दे, मैं छूट देता हूँ उसकी, मैं लिख करके दे दूंगा अगर कुछ कर सकते हैं। तंत्र और मंत्र के बल पर कुछ नहीं होता है, ये सब धांधलेबाजी है। किसी का बच्चे नहीं हो रहा है तो हाथ दिखाते हैं, उसको हाथ दिखाते हैं जिसका खुद का बच्चा नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आप किसी के पास मत दिखाइए, डॉक्टर इलाज करिए, बस ओनली डॉक्टर इलाज। किसी को सांप काटा है, बिच्छू काटा है, डॉक्टर इलाज करिए, झाड़ फूक से कुछ नहीं होने वाला है। आज झाड़ फूक के बल पर कुछ मत करिए। पंद्रह मिनट और कहे हैं आपको, अगर मेरी बात अच्छी लग रही है तो मैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को इंटरेस्ट है। मैं जो भी बात कह रहा हूँ खुली बात कह रहा हूँ, मैं कभी किसी मंच में नहीं कहा हूँ कि मेरे सिद्धांत, मेरे गुरु या मैं या कबीर पंथ सर्वश्रेष्ठ है। मैं ये नहीं कहता, सर्वश्रेष्ठ आदमी है जिसका मन निर्मल है। सदगुरु कबीर साहब सीधा सीधा कहते हैं, आगे इस बात को इसको भी रख दूं मैं, जाको मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। जिस समय सदगुरु कबीर साहब थे आज से करीब 600 वर्ष पूर्व, उस समय भी गंगा की विशेषता थी। पंडितों का तो चाल है, चलता है, वो सब यज्ञ के नाम पर बहुत ज्यादा चढ़ावा चलता है। तो पंडित कहते हैं यहाँ यज्ञ करो, पूजा करो, अर्चना करो तो ये होगा। तो सदगुरु कबीर साहब वहां डंके की चोट में कहते हैं, जाको मन निर्मल, इतना करुणा के साथ, इतना प्रेम के साथ, इतना वात्सल्य के साथ वो कहते हैं, जाको मन निर्मल भया। कैसे निर्मल होना चाहिए? गंगा का पानी आज से पहले बहुत पवित्र था, साफ था। आज भी आप हरिद्वार में जाएंगे तो हरिद्वार में आप सिक्का दिखाई देता है, हरिद्वार का पानी ऐसा है। लेकिन हमारे इलाहाबाद में आएंगे तो इलाहाबाद में पूरा कानपुर का चमड़ा मिल का पानी, कानपुर का सीवर लाइन का पानी, इलाहाबाद का सीवर लाइन का पानी पूरा गंगा में पवित्र होता है। और गंगा में वही गंगा में जाकर के लोग अपने आप को पवित्र महसूस करते हैं। उसकी विशेषता है, सिर्फ नाम से विशेषता है।
तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जैसे गंगा का पानी निर्मल है स्वच्छ है, वैसे ही मन को निर्मल और स्वच्छ कर लो तो आपके पीछे पीछे हरि चलेंगे, हरि के पीछे आपको नहीं जाना। जीवन उत्थान का एक ही सूत्र है, मन को निर्मल कर लीजिए बस। किसी ने कहा है मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। बस इतना ही है भजन, मन की तरंगों को मार लो और आदत बुरी को सुधार लो बस हो गया भजन। आप उत्थान का कारण है, आप अपने जीवन का शिल्पीकार खुद हैं। फिर से मैं अपनी बात में आऊं, मानुष तेरा गुण बड़ा, आप अपने जीवन का निर्माता खुद है। माँ बाप से हमको जन्म मिलता है, प्रकृति से हमको शरीर मिला है, लेकिन जीवन आपको जीना है। उस व्यक्ति को पूछिए जिस घर में किसी के साथ टकराहट नहीं होती है, उस व्यक्ति को पूछिए कैसे जीवन जीते हैं। एक सूत्र देते जाऊं आपको, जो आदमी सुख से जीना चाहता है, प्रेम से जीना चाहता है, वासल्य से जीना चाहता है, जीवन में कटुता हटाना चाहता है और आनंद से जीना चाहता है, बादशाहत की जीवन और जीवन मुस्कुराना सीखे। आप किसी को देखिए मुस्कुरा दीजिए बस। आप प्रति और द्वेष भाव भी रखता है ना, वो आदमी द्वेष नहीं रखेगा। आपको किसी को भी देखना है, घर के बच्चों को देखे मुस्कुरा दिए, अपनी पत्नी है देखे मुस्कुरा दिए, माँ बाप को देखे मुस्कुरा दिए, परिवार वाले हैं देखे मुस्कुरा दिए, पड़ोसी हैं देखे मुस्कुरा दिए। एक मंत्र है ना, ये तो मुस्कुराना तो सीखिए। जिस आदमी के अंदर मुस्कुराहट होती है उनके जीवन से आधा बीमारी भी खत्म हो जाती है। ये मन गंदा होता है तब शरीर बीमार ज्यादा पड़ता है, ये भी बात जान लें। जैसे हम रास्ते से चल रहे हैं एक्सीडेंट होना ये तो एक घटना है, लेकिन हमेशा व्याकुल रहना, बेचैन रहना, पीड़ित रहना, ये से हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये तो आपकी मन की बीमारी है। इसलिए मुस्कुराना सीखिए आप, मुस्कुराइए, प्रेम से मुस्कुराइए, जिसको भी देखिए मुस्कुरा दीजिए। तो अपनी बात मैं अंतिम ओर ले जा रहा हूँ और कहना चाहूंगा कि बीच में मैंने कहा था कि आप दीरान और जिठान का रिश्ता खत्म करके बहन और दीदी का रिश्ता लागू करना है, सास और बहू का रिश्ता खत्म करके माँ और बेटी का रिश्ता लागू करना है, आपस में इतना प्रेम से जीना है, बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आपको अपने जीवन को बदलना है। जीवन को बदलने के लिए बच्चों को सीख देना है तो घर के बड़े बुजुर्गों का आप चरण स्पर्श करिए। जितने लोग बैठे हैं सबसे निवेदन करता हूं कि आज से संकल्प करिए कि आज से मैं बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श सो करके उठने के बाद करूंगा। आपके बच्चे देखेंगे, आपके बच्चे भी करना शुरू कर देंगे। आप देखे होंगे कभी कभी आपके घर कोई मेहमान आते हैं और मेहमान आते हैं बच्चों को कहो अरे पैर छू कहते रहो नहीं छुएंगे, लेकिन आप जैसे पैर छुएंगे तुरंत टपाक से पैर छुएंगे। आपके बच्चे किससे सीखे, आपके बोलने से नहीं आपके करने से सीखते। यदि आप घर के सदस्यों के साथ प्रेम से बर्ताव करते हैं, मीठा बर्ताव, आप घर में कौमे के कड़कर आवाज रहती है तो वहां कौमे को क्या करते हैं, आप लोग भगा देते हैं, लेकिन कोयल को कोई नहीं भगाते। आप मीठा वाणी ही एक ऐसा माध्यम है जो कि बड़े बड़े सर्कसों में आप देखते हैं, बड़े बड़े सर्कसों में शेर चीता बाघ भालू को अपनी इशारे पर नचाता है। प्रेम ही एक माध्यम है ना, प्रेम ही एक माध्यम है जो शेर को कहता है, एक आदमी के ऊपर बिठाता है शेर को, शेर को कहता है बैठ जाओ, बैठ जाता है, कुछ भी नहीं करता है, प्रेम ही माध्यम है। अगर वहां पर चाबुक पर चाबुक लगाया जाए शेर के ऊपर तो शेर किसी को नहीं छोड़ेंगे, फिर चीता किसी को नहीं छोड़ेगी। प्रेम सीखा बेटा बैठ जाओ, मैं देखा हूं सर्कस, ये आप सब जानते हो। आपके घर को माहौल को बदलना है, आपको घर में प्रेम से जीना है, आपके बच्चों को भविष्य बनाना है, तो आप अपने
अपने घर के बुजुर्गों का चरण स्पर्श आपको करना है। आज मैं ये बात कह रहा हूँ इसलिए आपको घर में कह कर जाकर के कल से सुबह से चरण स्पर्श करने में संकोच नहीं आएगा, क्योंकि आप दूसरे दिन करेंगे तो कहेंगे आज क्या हो गया है, मेरी बहू आज मेरे चरण स्पर्श कर रहे हैं, क्या हो गया सोचेंगे। लेकिन आज आप ये करके जाएंगे तो सुने कहेंगे वहाँ एक महाराज जी आए थे, साहेब जी आए थे, वो बोले, उसके बाद से जीवन को बदलना शुरू कर दिया, लगता है वो खुश हो जाएंगे, गदगद हो जाएंगे। और आप उस भगवान की आराधना करते हैं, एक मंदिर है जहां जाकर के आप मत्था टेकते हैं, आप लाख मत्था टेक लो लेकिन वो भगवान आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। आपकी श्रद्धा है करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक ऐसा जिंदा भगवान है, घर के माता पिता उनका चरण स्पर्श करेंगे तो कहेंगे खुश रहो, कितना प्यार है, कितना वात्सल्य है। जो खाते हैं उसका अन्न छीना जाता है, जो नहीं खाते हैं उसको अन्न चढ़ाया जाता है, क्या विडंबना है ये भारत की। भगवान के नाम पर ना जाने कितने कितने भोग चढ़ा दिए जाते हैं और जो खाते हैं उसको अन्न छीन लिया जाता है। कौन छीनते हैं, हमारे जैसे लोग ही छीनते हैं गरीबों का अन्न, धर्म के नाम पर उनको ऐंठ लिया जाता है। मैंने बीच में कहा एक रुपया करके इकट्ठा करता है और मैं बैगा बन कर बैठता हूँ, कहते हूँ यहाँ यज्ञ, ये पूजा, यो पूजा, बेचारा एक रुपया पेट मार करके पैसा इकट्ठा किया और भी इतना दरिद्र बन गया कि उसका सब कुछ विनाश कर दिया। क्या ऐसे पंडित पुजारी है, किस काम का है? उसको सही मार्ग दीजिए, आप सही पंडित है तो उसको सही मार्ग दीजिए। बेटा गाली मत दो, गलौज मत दो, अंडा मांस शराब मत करो, मत खाओ, जुआ मत खेलो, तो प्रेरणा पर चले, उसका जीवन बदले, आपने तो उसका सर्वस्त्र विनाश कर रहा है। वो बच्चे को पढ़ाना चाहते थे स्पेशल स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, लेकिन आपने उसके पहले कह दिया बच्चे को ग्रहण लगा है, सब कुछ पैसा वहां लुटा दिया। आप इतना दरिद्र मत बनिए, हमारे बुजुर्ग लोगों को कहता हूं मैं, ऐसे लोगों से आप सावधान रहिएगा। यदि ऐसे लोग कहते हैं तो सिर्फ ठपोसने की बात है, उनके चक्कर में आप कभी मत जाना, कभी किसी को हाथ की रेखा मत दिखाना। हाथ की रेखा एक गणित होता है, एक गणित है उसके आधार पर बता दिया जाता है, एक पुस्तक है उसका आप भी बता सकते हैं, फिर हाथ की रेखा देख करके ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, ऐसे हैं, अगर बता भी दिए आपको सही सही तो बता दिए तो आपका जीवन बदल देंगे क्या? आपका जीवन तो नहीं बदलेंगे ना, तो फिर उसके पीछे क्यों पड़ना आपको? इसलिए हाथ का रेखा नहीं दिखाना है, बच्चों को वो संस्कार देने के लिए मैंने कहा कि चरण स्पर्श कल से आप प्रारंभ कर दीजिए। अब मैं चलूं थोड़ा संस्कार की बात कहा, अब खान पान पान ये भारत का सौभाग्य है कि इस भारत देश में माताएं नशा कम करती है, कोई कोई है जो नशा करती है, और ये भारत में अभी नया खुलने वाला है महिलाओं के लिए शराब भट्टी, ये हमारे कहना चाहिए राज्य सरकार की कृपा है, दुर्भाग्य है ऐसे सरकार को मैं भरे मंच में कहता हूँ। महिलाओं के लिए शराब भट्टी खुलने वाला है, जब लॉकडाउन हुआ तो घर घर के पैकेट शराब जा रहा था, क्या ऐसे सरकार है? अपना जेब भरेंगे कि जनता का हित करेंगे ये लोग? इधर महिलाएं नशा बंदी करवाना चाहती है, इधर महिलाएं इधर शराब भट्टी खोल रहे हैं, ऐसा नेताओं को तो क्या पूछना है? इसका समाधान आपके पास है। माताओं से निवेदन है कि ऐसे कोई काम नहीं करते हैं और नहीं करेंगे, और बुजुर्गों से निवेदन है कि आप गुरु बीड़ी सिगरेट गुटखा शराब गांजा इस सब चीज से बचिए। यदि आप इस चीज से बचते हैं तो फायदा क्या होगा और बता देता हूं। आज यदि आप शराब पीते हैं, हकीकत घटना जानिएगा, यदि आज आप शराब पीते हैं तो आपके बच्चे शराब तक ही सीमित नहीं रहेंगे, आपके बच्चे उससे 10 गुना आगे जाएंगे। आपके बच्चे शराब भी पिएंगे, गांजा भी पिएंगे, जुआ भी खेलेंगे, आतिशबाजी भी करेंगे, आप नहीं रोक सकते। एक उदाहरण बताऊं मैं, 5 स्टूडेंट आपस में मित्र थे, स्कूली पढ़ाई चल रही थी, आपस में चर्चा होता था, मेरे पिताजी वकील है वकील बनूंगा, मेरे पिताजी कमिश्नर है कमिश्नर बनूंगा, मेरे पिताजी मास्टर है मास्टर बनूंगा, मेरे पिताजी अच्छे पोस्ट पर हैं वकालत करते हैं जज हैं, सभी अपने अपने चर्चा कर रहे थे, चारों ने चर्चा तो किया, पांचवा को पूछता है भाई तुम क्यों चुप हो, तुम क्या बनोगे, बोलोगे नहीं? कहते हैं भाई बताऊंगा समय से। जैसा वो बच्चा आता है, पांचवी क्लास का बच्चा था, आता है पुस्तक पटक देता है अपने पिताजी के पास, पिताजी दबे आवाज में जोर से कहते हैं, तेज आवाज में,
कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है अब। कहते हैं क्या हुआ कि बताओ तो, बताते हैं सब ये बनेंगे। कहते हैं क्या पिताजी वहां पर, मैं ये बताता मेरे पिताजी शराबी है, मैं शराबी बनूंगा यही बोलूंगा। अपने पिताजी से प्रश्न करते हैं, उनके पिता कहते हैं बेटा तुम वकील बनोगे, मास्टर बनोगे, जज बनोगे, कमिश्नर बनोगे, ये तुम्हारी योग्यता है, मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन अपने मित्रों को कहना कि मैं एक अच्छा इंसान जरूर बनूंगा, एक अच्छा इंसान जरूर बनूंगा। उस दिन से वो व्यक्ति शराब पीना छोड़ देता है। आपके घर के माहौल को आपको बदलना है। मैं बीच में कहा यदि आपके बच्चे आप शराब पी रहे हैं तो आपके बच्चे भी शराब पिएंगे, गांजा पिएंगे, सब कुछ करेंगे, और जब आपकी बुढ़ापे की अवस्था होगी बच्चे जवान होकर के पीना शुरू करेंगे और पी करके आ करके पैर से जूता निकाल करके आपके कपार पर लगाएंगे, सिर पर लगाएंगे, उस दिन आपका होश आएगा, शायद बच्चों को जो संस्कार देना चाहिए था नहीं दे पाया, बच्चों को जो शिक्षा देना चाहिए था शायद नहीं दे पाया, वो दुख होगा, वो पीड़ा होगी, वो पीड़ा लौट करके, वो समय लौट करके नहीं आ सकता आत्मीय बंधुओं। इसलिए आज से कोई भी यहाँ से जाए तो सब कुछ छोड़ करके चले जाए। श्री मानस मंच में श्री राम भगवान के चरणों में कोई कुछ चढ़ाते हैं, कोई कुछ चढ़ाते हैं, आप लोग श्री राम भगवान के चरणों में सब कुछ समर्पित करके चले जाइए। गाली गलौज निंदा चुगली आपस में वैर का भाव बीड़ी सिगरेट तम्बाकू गांजा सब कुछ छोड़ करके चले जाइए। और माताओं से निवेदन है कि घर के माहौल को आप बदलिए, आप इतना प्रेम से जिए कि घर आपके आसपास के लोग पड़ोसी लोग कहे कि वास्तव में इन लोगों का घर बदल गया है, जीवन बदल गया है, इनके घर में अब पहले जैसे तू तू की आवाज नहीं आती है, इसके घर में एक दूसरे में टकराहट नहीं होती है, इनके घर में प्रेम आ गया। मैंने बीच में कहा था कि जहाँ पूरा दुख भरी जीवन बीतता है वहां भी कहीं कहीं खुशहाल की जिंदगी मिलती है, कहीं कहीं जीवन में यू टर्न लाने की अवसर मिलता है, कहीं कहीं जीवन निर्माण की बातें मिलती है। आपको इस मंच में जितने भी आए होंगे प्रवक्ता लोग अपने हिसाब से बताए होंगे, लेकिन जो मैं खुले शब्दों में जो कड़वे बात बोला हूँ आपको, वो बात चुभने वाली बात है। मैं वो चीज बोला हूँ जो यदि पालन करते हैं तो मेरा भी उद्धार है, आप सबका उद्धार है, और मेरा आना बहुत बड़े सार्थक हो जाएगा। और सार्थक तो जितना भी हो अच्छा है, लेकिन इतना ही महसूस कर रहा हूँ आप इतने शांति ढंग से बैठ करके सुन रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं कोई मांग नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं आया हूँ करीब करीब 250 किलोमीटर से, आपका रिक्वेस्ट था, 3 साल से मुझे बुला रहे थे आप आइए आइए करके, 3 साल से बुला रहे थे, इस साल मैं आरंग आना हुआ तब आ गया, नहीं तो नहीं आ पाता। मैं कांकेर के पास से आया हूँ, रहना होता है इलाहाबाद में, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में रुकना है कुछ दिनों तक, यह है रुकूंगा भी, तो आप लोगों के बीच आने का मुझे अवसर मिला, सौभाग्य है। आप सब सबसे बड़ा सौभाग्य होगा कि मेरी बातों के हिसाब से आप जीवन में थोड़ा परिवर्तन करना शुरू कर दीजिए, बस आपसे यही मांग रहा हूँ, बस और कुछ नहीं चाहिए, आप जीवन को बदल दीजिए, मुस्कुराना सीखिए बस। जिस माँ के कोख से आप जन्म लिए हो उसको सम्मान देना सीखिए बस। उस माँ को क्या पीड़ा होती होगी, उस पिता को क्या पीड़ा होती होगी जब आप ही आपके अपने ही पिता को तिरस्कृत करते हैं, तिरस्कृत भाव से देखते हैं, प्यार से बात नहीं करते हैं, तो पीड़ा क्या होती है आप भी बुढ़ापों में देखोगे। अगर अगर आज पिता के साथ माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए ना, तो आप भी वो बुढ़ापा में देखेंगे, वो बुढ़ापा में वो दिन देखना ना पड़े आपको, वो सीख दे रहा हूँ मैं आपको। आप इतना प्यार से बात करिए कि आपके पिता या माँ के शरीर में जो पीड़ा हो ना, आपके प्यार से आधा दर्द खत्म हो जाए। कई डॉक्टर के पास जाते होंगे तो डॉक्टर लोग इतना प्यार से बात करते हैं, बात करने से ही लगता है बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, आप महसूस करते हैं। आपको जिस घर में रहना है उस घर को बदलने के लिए कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे घर के आग को ठीक कर देना, मेरे समाज को ठीक कर देना, ये नहीं कह रहा हूँ। आपको जिसके बीच में रहना है, जिसके बीच में जीना है, जिसके बीच में पूरा जीवन काटना है। मैंने बीच में कहा कि जिसके साथ में रहना उसके साथ प्रेम का व्यवहार नहीं होता है, जिसको छोड़ करके आ गई है कई किलोमीटर उसके साथ प्रेम का व्यवहार होता है। ये हमारा जो संस्कार है, हमारा जो व्यवहार है, मैं बीच में कहा कि समुद्र के जस्ट विपरीत चलता है। भाई को उतना अच्छा भाई प्रिय नहीं लगता है जितना अच्छा पड़ोसी और मित्र लगता है।
पिता को अपना पुत्र अच्छा नहीं लगता है, किसको अच्छा लगता है? पिता को उसके मित्र का बेटा है वो अच्छा लगेगा, अपना बेटा अच्छा नहीं लगता। बहू को अपनी सास अच्छा नहीं लग रही है, जिसको छोड़ आई हो मां से अच्छा लग रहा है। दूर का ढोल सुहावन कहावत है ना, वो सुहाना बस है लेकिन सुख नहीं मिलने वाला है। सिर्फ खाली एक आशा है, एक ओस की बूंद है, ओस की बूंदों से प्यास मिटाना चाहेंगे, ओस की बूंदों से प्यासे नहीं मिटा करती है, पानी से ही प्यासा मिटा करती है। बाहरी लोगों से सुख प्रेम नहीं मिलता है, प्रेम आपस में घर वालों से ही मिलता है। असली देवी देवता, असली भगवान भगवती आपके घर के सदस्य हैं। बाहर के जितना देवी देवता है हमारे बनाया है, दूसरे ने नहीं बनाया है, हम ही ने बनाया, हम ही ने निर्माण किया, हम ही उसका विनाश कर सकते हैं। ये तो आज भारत देश, एक और नया चीज बताऊं मैं, ये भारत एक ऐसा देश है जहां जितना स्कूल नहीं होंगे, जितना कॉलेज नहीं होंगे, जितना हॉस्पिटल नहीं होंगे, उससे ज्यादा कहीं मंदिर मिलेंगे आप, उससे कहीं ज्यादा मंदिर मिलेंगे। ये भारत एक ऐसा देश है जहाँ भगवान बनाने की कारखाना बन गई है। और आप जयपुर में जाओ, हम लोग जाते हैं जहाँ भगवान ही भगवान बन रहे हैं, तो वहाँ के लोगों को तो मुक्ति हो जाना चाहिए था। भगवान के मूर्तियों से मुक्ति नहीं है, उनके जीवन के हिसाब से आचरण करने से मुक्ति है। मेरे सभी भगवान इष्ट है, मैं सभी को मानता हूँ, मैं किसी का तिरस्कार नहीं करता हूँ। और असली भक्त उसी को मानता हूँ जो अपने माँ बाप का सेवा करे। फोटो का सेवा पूजा नहीं चाहिए अभी तक, आप फोटो का सेवा पूजा नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन माँ बाप को खिलाइए, भले फोटो पर मत चढ़ाइए कुछ, फोटो पर कुछ मत चढ़ाइए, लेकिन माँ बाप को खिलाइए, माँ बाप को प्यार से बात करिए। मैं ये आपके जीवन के निर्माण की बात कर, इसलिए जीवन है तो आपको बदलना है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं और कुछ बात कि खखा चाहे खोई बनावे, खसमई छाड़े दमिद धावे, खसमई छाड़े छिमा होए। अगर शांति चाहते हो तो इंद्रियों को मनाओ, बाहरी देवी देवताओं को मनाओ नहीं कहते, खखा चाहे। सदगुरु कबीर साहब छत्तीसगढ़ भी आए, उनके शब्दों में आता है खखा, खखा मतलब होता है शांति, शब्द कोश में आप देख सकते हैं। और खोरी, खोरी कहते हैं छत्तीसगढ़ में गली को कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं शांति चाहते हो तो गली मतलब इंद्रियों को मना, इंद्रियों को मना लो, भगवान भगवती को मनाने की जरूरत नहीं है। और भगवान राम ने भी यही कहा, इसलिए भगवान राम के आदर्शों को ले। इसलिए उनके आदर्शों को लेना है और जीवन में परिवर्तन करना है। यहाँ कई बहनें भी बैठे हैं, उन सबको भी मेरी जो बात कही उनको ध्यान से आप सुने और वैसे ही घर में जाके आपको निर्माण करना है। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, बहनें बैठे हैं, उनका एक जन्म हो चुका है, दो जन्म बाकी है, दो जन्म को आपको उद्धार करना है। एक जन्म माँ की कोख से हुआ है, दो जन्म आपका खुद का होगा, जब आप ससुराल में जाएंगे तब एक बार जन्म होगा, और आपके कोख से जब बच्चे जन्म लेंगे तब दूसरा जन्म होगा। उस कुल को उजागर करना है, उस घर के माहौल को बदलना है, उस घर में प्रेम और शांति का माहौल हो। संपत्ति से एक चीज और बता दूं, संपत्ति से सुख नहीं मिलता है, बात जानिए। संपत्ति आज की डेट में बहुत जरूरी है, ये भी बात कहता हूं मैं सर्वभूत संपूर्ण सब कुछ को लेकर के चलता हूं। एकांगी जीवन नहीं पसंद है मुझे। मैं आध्यात्मिक होते हुए भी मैं कहता हूं कि संपत्ति बहुत जरूरत है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरत है आपके जीने की तरीका। आपका जीवन कबाड़ नहीं है, जैसे तैसे फेंक दे। आप करते क्या है, पेरा को लेकर के एक जगह भर देते हैं कोठी में, पेरा को लेकर के कोठी में भर देते हैं, क्या आपका जीवन पेरा तो नहीं है? जैसे तैसे जीवो। एक आदमी छत के ऊपर कपड़ा सुखाता है और कपड़ा को ला करके करता क्या है, अलमारी में ऐसे पेट ठूस करके भर देता है। और एक आदमी कपड़ा लाता है, कपड़ा को लाता है, बिस्तर पर रखता है, प्यार से उसको मोड़ता है, साइज लगा करके लाइन से रखता है और अलमारी में रखता है, वो किंदर कितना अच्छा सुंदर और सशक्त दिखता है। हम अपने जीवन को कहीं कचड़े की तरह तो नहीं भर रहे हैं, उसको प्यार से सजो करके रखना है। ये जीवन का कीमती समझिए। एक आदमी एक संत के पास जाकर के कहता है जीवन का कीमती मूल्य क्या है ये बताइए। संत कहते हैं एक काम करो, जीवन का मूल्य छोड़ दो।
जीवन का मूल्य छोड़ दो, एक मैं चीज दे रहा हूँ उसको तुम कम कई जगह रेट पूछ करके आना। तो करता क्या है, एक व्यक्ति एक पत्थर लेता है, उसको उसको गुरु देता है, पत्थर देता है उसको, एक सब्जी वाले लोहा टीपा वाले के पास जाता है, पूछता है इसका मूल्य क्या दोगे। कहते हैं भाई ये तो कुछ पत्थर है, सिंपल सा चमकदार दिख रहा है, इसके बदले तुम्हें 20 रुपए किले के हिसाब से मैं तुमको 40 रुपया दे दूंगा। कबाड़ी कहता है, कबाड़ बेचने वाला, कबाड़ खरीदने वाला। फिर वो व्यक्ति एक सब्जी बेचने वाले के पास जाता है और सब्जी बेचने वाले से पूछता है इस पत्थर का क्या कीमत है। भाई पत्थर क्या है तो मैं जानता ना हूँ, अच्छा चमकीला तो दिख रहा है, इस पत्थर के बदले आपको मैं 2 किलो टमाटर दे दूंगा, 2 किलो टमाटर दे दूंगा कहता है। वो व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के पास जाता है, तीसरे व्यक्ति के पास जाता है, एक सुनार के पास जाता है और कहता है भाई ये पत्थर का क्या कीमत दे दो। कहते इस पत्थर का मैं 2000 रुपये दे दूंगा, क्योंकि समझता है सुनार आदमी नहीं जान रहा है क्या पत्थर है, मुझे दे देगा तो दे दो दे दूंगा। कहते हैं कहे मूल्य लगा रहा हूँ, देना नहीं है मुझे। वो व्यक्ति फिर दूसरे सुनार के पास जाता है, वो कहते हैं इसका मैं 4000 रुपये दे दूंगा। वो व्यक्ति फिर एक बड़े सुनार की दुकान में जाता है, वो कहते हैं इस पत्थर का मैं तुमको 50000 रुपये दे दूंगा। वो व्यक्ति जाते जाते एक हीरा के दुकान में चला जाता है, और हीरा के दुकान में जाता है तो व्यक्ति कहते हैं इस पत्थर का तुम्हें मैं 2 करोड़ रुपये दे दूंगा। वो व्यक्ति फिर तीसरे हीरे के दुकान में जाता है और वहां पूछता है इस पत्थर का क्या कीमत दोगे। कहते हैं इस पत्थर का कोई मूल्य नहीं लगा सकता है, इस पत्थर का पूरा एरिया खरीद करके बेच दिया जाए तो भी इस पत्थर का कीमत कोई अदा नहीं कर सकता है, इस पत्थर का कीमत इतना है। वो व्यक्ति अपने गुरु के पास जाता है और पत्थर को देता है, और पत्थर को देकर के कहते हैं यहाँ इतना बताया, यहाँ इतना बताया। गुरु कहते हैं बेटा ठीक इसी ही प्रकार हमारा जीवन का मूल्य है, यदि मैं शराबी के पास जाता हूँ तो मेरा जीवन एक शराब के बोतल के बराबर होता है, गांजा पीने वाले के पास जाता हूँ तो एक दम गांजा लगाने के बराबर होता है, मांस खाने वाले के पास जाता हूँ तो एक मांसाहारी के बराबर होता है, और एक व्यापारी के पास जाता हूँ तो व्यापारी 30000 रुपये 40000 रुपये महीना के हिसाब से दाम लगाता है, लेकिन एक जीवन निर्माण करता है जो अध्यात्म की बातें करता है, जो उत्थान की बातें करता है, जो जीवन से भ्रांतियों को हटाता है, जो जीवन को नए ओर ले जाता है, नए मार्गदर्शन देता है, अगर उनके पास जाते हो तो ये जीवन का कीमत कोई अदा नहीं कर सकता है। बोलिए सतगुरुदेव की, श्री रामचंद्र भगवान की। आप लोगों ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक YouTube चैनल है जिस पर मैं कबीर पार्क संस्थान इलाहाबाद रहना होता है, पूज्य गुरुदेव सतगुरु विलास साहब जी के नाम कुछ लोग सुने होंगे। हमारा एक कबीर पंथ है और कबीर पंथ में कई धाराएं हैं, और हम लोग अपने को पारक सिद्धांत से जोड़ते हैं। और पारक का मतलब मैं और बता दूं, पारक का मतलब होता है चीनी और कंकड़ एक में मिला हो, तो जैसे चींटी कंकड़ को छोड़ देती है और चीनी को ले लेती है, ठीक हमारा पारक का मतलब इतना ही है, सच को सच कहना, बस भ्रांति में नहीं लपेटना, गुरु के आड़ में नहीं लपेटना, धर्म के आड़ में नहीं लपेटना, ये हमारा पारक सिद्धांत सिखाता है। कोई लंग लपेटना नहीं, एकदम स्वच्छ बात हमारा सिद्धांत ये कहता है। मैं पारक सिद्धांत के अनुयायी हूँ सतगुरु कबीर का, और मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें आप सर्च कर सकते हैं। आप मेरे नाम से सर्च करेंगे अनिल साहब के नाम से, अनिल साहब का प्रवचन, तो यूट्यूब में बहुत सारे प्रवचन आ जाएंगे, उसके साथ साथ हमारे गुरुदेव जी लोगों का भी प्रवचन आएगा, आप उसमें सर्च कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही विचार हमारे यहाँ चलता रहता है, जहाँ आदमी के निर्माण की बात होती है, और हमारे साथ में एक रामायण गायक कलाकार भी चलते हैं। मैं ये बात बता दूं, हमारे साथ एक गायक कलाकार भी चलते हैं, लेकिन वहाँ कोई विशेष बुलावा होता है तब उनको बुलाते हैं, क्योंकि वो वाद्य यंत्र वाले लोग फ्री नहीं रहते हैं, और उन लोगों का हमको कास्ट अलग करना पड़ता है, उन लोगों को पे करना पड़ता है, क्योंकि सब आम परिवार के लोग हैं, उन लोगों को अपना काम छोड़ करके बिजनेस ही है उन लोगों का, जिससे रोजी रोटी चलती है, तो उन लोगों को पैसा देना पड़ता है। इसलिए मुझे कोई जगह बुलाते हैं तो मैं अपना कोई नहीं कहता हूँ कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं, मैं जहाँ बुलाते हैं मैं चला जाता हूँ, जो उनकी जो होता है श्रद्धा उनके ऊपर रहती है। लेकिन हमारे सामने पार्टी को भी बुलाना चाहते हैं,
तो सठी में होता है, रामायण प्रोग्राम होता है, घर उद्घाटन होता है या कुछ भी प्रोग्राम होता है, हमारी पार्टी उसमें जाती है। आप बुलाना चाहते हैं तो बुला सकते हैं, कभी भी संतों को बुला सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरा नंबर भी उसमें है, आप वहाँ से देख सकते हैं और मेरा नाम से सर्च करेंगे तो शायद नंबर भी आ जाएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गोस्वामी उस्ताद जी ने भगवान राम से माता सवारी को उपदेश लेते हुए कहा है। नौवा भक्ति में कहा है सावधान सुन धर मन मान। आप लोगों ने साहब जी के प्रवचन को बड़ी शांति पूर्वक ग्रहण किए, बहुत ही सराहनीय रहा। इस ग्राम के सभी नागरिकों को मैं धन्यवाद देता हूँ। अब सावधान सुने तो जरूर है, अब धर मन मान। साहेब जी की वाणी वचन इतनी शानदार शिक्षा प्रदत्त रही, वही बात हमें उस शब्द को ग्रहण करके, आप शब्द को ग्रहण करके अपने जीवन में उतारने की बात। अगर आप लोगों ने सावधान होकर सुने और कुछ परिवर्तन नहीं हो पा रहा है तो निरर्थक हो जाएगा।